चटखारे में अब तक हमने आपको रायपुर के ऐसे कई चटपटे अड्डे दिखाए हैं जो अपने आप में खास हैं। हर किसी की अपनी क्वालिटी है जो उसके चटखारे को दूसरे से अलग करती है। चटखारे की इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए हम पहुंचे कटोरा तालाब में मौजूद शवरामा वाले के यहाँ, जहाँ एंटर होने से पहले ही आपकी जीभ लपलपा जाएगी। हेलो खाने के शौकीनों, ये है आपका फेवरेट शो चटखारा, और चटखारे में मैं अमित शर्मा मौजूद हूँ कैमरामैन हुरीलाल के साथ कटोरा तालाब में, जहाँ पर हम आए हैं शावरमा वाले के यहाँ। शावरमा वाले के यहाँ बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं जिसका चटखारा बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर खास होता है शावरमा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक शावरमा का कंसेप्ट है, तो शावरमा बेसिकली यहाँ की डिश नहीं है, ये अरेबियन से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो शावरमा में कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और क्या है इसकी खासियत, चलिए जानते हैं। यहाँ एंटर होते ही हमारी मुलाकात हुई चटोरे से, और जानिए इन्हें यहाँ क्या पसंद आता है। वैसे तो इसका सब टेस्टी है, बट इसका शोमा रोल एंड कॉफी बहुत अच्छे। हाँ, एक्चुअली इधर ही अपन रहते हैं तो इधर आना ही पसंद करते हैं। और यहाँ के मॉल के बारे में जो आप लोग क्रिएटिविटी करते हैं। मॉल तो मस्ती भी है, एंजॉयमेंट भी है, मेमोरी भी है, अच्छा है। इनकी सेकेंड डे पे, ओपनिंग के सेकेंड डे पे थोड़ा सा अलग क्लिक किया कुछ रायपुर में, ऐसा लगा। हाँ, मतलब छोटी सी प्लेस में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ का इंटीरियर भी अपने आप में क्लासी है। यहाँ की वॉल्स पर चटोरों ने अपने फ्रेंड्स और वेलविशर्स के लिए मैसेजेस लिखे हैं और इसे बना दिया है द मैसेजिंग वॉल। सिटिंग से लेकर सर्विंग टेबल के लिए स्क्रैप का बखूबी इस्तेमाल यहाँ के एम्बियंस को और भी यूनिक बना देता है। इसकी सीलिंग डेकोरेशन के लिए साइकिल स्पोक्स का यूज लाजवाब तरीके से किया गया है। इन सारी चीजों से वाकिफ होने के बाद हमने बात की सिकंदर जी से और चटखारे लेते हुए शवरामा वाले की पूरी कहानी जानी। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शावरमा वाले के ओनर सिकंदर जी। तो सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैन। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शावरमा, जहाँ तक मुझे पता है, इसका ओरिजिनेशन अरब से हुआ है। या एग्जैक्टली, हाँ, ये बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो अरब से, ईस्ट से होते हुए हमारे इंडिया में आया है। अभी बेसिकली इतना रिसेंट नहीं है, ये बहुत टाइम हो गया, बट हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में ये लोगों के लिए बहुत एक नई डिश है, लेकिन ये बाहर शहरों में पहले से बहुत अवेलेबल है। तो रायपुर में आए इसे कितना वक्त हो चुका है? ये रायपुर में बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को करते हुए एटलीस्ट एक साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके पहले भी लोगों ने ट्राई किया है शावरमा करने के लिए, लेकिन ऑथेंटिक शावरमा लोग सर्व नहीं कर पाए शायद, तो रायपुर के जो जनता है उनको इतना पसंद नहीं आया होगा। बट जब से मैं करना चालू किया हूँ तो ये अब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है, तो अब लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है रायपुर में। चलिए, तो जहाँ तक शावरमा की बात है तो मैं प्लेट शावरमा से शुरू करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर हम इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो सिर्फ आप चिकन भी, चिकन का भी स्कूप ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ चिकन के स्कूप यहाँ पर ले रहा हूँ। तंदूरी चिकन की तरह से प्रिपेयर किया जाता है? हाँ, बेसिकली तंदूरी चिकन को हम लोग कोल में करते हैं, लेकिन ये ग्रिल होता है सिर्फ गैस से, सिर्फ आग से ही ग्रिल होता है, तो उसकी वजह से ये ग्रिल का टेस्ट आता है इस पर। तंदूरी थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, ये थोड़ा सा अलग होता है उससे। ओके, तो अब बारी है चॉकलेट सैंडविच की, आप भी खाइए बिल्कुल। मैं तो खाते रहता हूँ, आप टेस्ट कीजिए। बहुत ही चॉकलेटी सा चॉकलेट सैंडविच। तो चॉकलेट्स आप इसमें मेल्ट करके डालते हैं या फिर चोको पाउडर? चॉकलेट, चॉकलेट सिरप डलता है और चोको नट्स डलते हैं इसमें, और ऊपर से इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम लोग इसमें चीज़ डालते हैं, क्योंकि लोगों को चीज़ बहुत पसंद आती है इसमें। ओके, तो चीज़ के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। और कोल्ड कॉफ़ी को पहले ट्राई कर लेता हूँ गार्लिक ब्रेड से, काफ़ी देर से घूर रही है मुझे, तो बुरा ना मान जाए। इसमें आपने आइसक्रीम का यूज़ किया, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा सा थिक पसंद है यहाँ के लोगों को, तो हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी जो बनाते हैं हम, थोड़ी थिक होती है हमारे यहाँ की, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी लोगों को। ओके, और गार्लिक ब्रेड के बारे भी आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। ये भी हमारे यहाँ का एक ऐसा डिश है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें ज़्यादा हम लोग ने इन्वेंट नहीं किया, ये एक टिपिकल गार्लिक ब्रेड है, जैसा जैसा लोगों को पसंद आता है वैसा ही हम लोगों को सर्व करते हैं, इसमें हमने ज़्यादा कुछ इन्वेंशन किया नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेस्ट हैं, लेकिन जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है वो है शावरमा रोल, तो वो कब आएगा? सर बस अभी आ जाएगा सर। चलिए लेते हुए, ये रहा आपका शावरमा सर। ओके, तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था इसके प्रिपेयर होने का, और फाइनली आप देख सकते हैं कि इस वक्त शावरमा वाला की खासियत यानी कि शावरमा रोल मेरे हाथ में है।
तो मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, तो मैं चला इसे टेस्ट करने। आप प्लीज इसे थोड़ा सा हेल्प करें। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो बहुत ही चटखारेदार है, और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है चटखारा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग हर वीक डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स या स्ट्रीट फूड में विजिट करते हैं, और शावरमा वाला में हमने विजिट किया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है इसका चटखारा लेने में। और जहाँ तक आप देख सकते हैं कि फुल ऑफ चिकन है, और चिकन के साथ में चीज़ है, और इसका जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है इसे बनाने का। इसका प्रोसेस थोड़ा सा आप और इलाबोरेट करेंगे कि कैसे आप लोग इसे एक्चुअल में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेट शावरमा भी है और शावरमा रोल भी है, तो दोनों में किसी तरह का डिफरेंस है कि सिर्फ सर्विंग का डिफरेंस है? नहीं, ये एक्चुअली में सर्विंग का ही सिर्फ डिफरेंस बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि जो मैरिनेशन होता है, जो मसाले होते हैं चिकन के, वो दोनों में सेम ही होते हैं। हम लोग एक ही मशीन से इसको बनाते हैं, ये दोनों प्रॉपर ग्रिल करके ही बनता है। बस जस्ट लोगों की टेस्ट की वजह से इसको चेंज किया गया है। कोई कस्टमर्स होते हैं जिनको रोल में पसंद आता है ये शावरमा, बट कई कस्टमर होते हैं जिनको प्लेट में पसंद आता है। तो ये इसके लिए हम लोग ने दो अलग अलग डिश का नाम दिया हुआ है, प्लेट शावरमा और शावरमा रोल। चलिए, मैं शावरमा तो टेस्ट करूंगा और बाद में, लेकिन यहाँ की जो मैं वॉल्स देख रहा हूँ, यहाँ का जो इंटीरियर है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, तो इसका कंसेप्ट कैसा है? क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर लिखे हैं, और जैसे कि हम सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो आपने वेस्ट चीज़ों से यहाँ पे बेस्ट बनाया है। ये एक्चुअली इंटीरियर जो है वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने किया हुआ है। तो ये जगह बहुत छोटी थी जब हम लोग ने यहाँ पर काम शुरू किया था, तो हम लोगों को कुछ क्रिएटिव चाहिए था, हम लोगों को कुछ नया चाहिए था कि जो लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगे, एलिगेंट रखे। तो ये छोटी सी जगह को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, और ये कस्टमर फीडबैक है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। जैसे आप वॉल देख सकते हैं, यहाँ पर सारे कस्टमर्स ने अपने फीडबैक्स लिखे हुए हैं। जैसे हमने वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसे ये आप टेबल देख सकते हैं, ये टायर से बनी हुई है। जैसे आपको पहले मैंने चेयर दिखाया हमारे यहाँ की, जो बाल्टी से बनी हुई थी, ऊपर की जो हमारी डेकोरेशन है वो चक्के से बना हुआ है। तो ये बहुत एक एलिगेंट और बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाया गया, जो लोगों को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम लोग ने इतना सोचा नहीं था कि लोग इसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, बट जितना यहाँ का टेस्ट के लिए इसकी तारीफ होती है, उतने यहाँ पर इंटीरियर के लिए भी यहाँ की तारीफ होती है। तो रायपुर में तो शावरमा वाला एक कटरो तालाब में मौजूद है और दूसरा मरीन ड्राइव में है, तो रायपुर के अलावा कहाँ पर शावरमा वाला जाने वाला है? अभी वेरी सून इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों का प्लान चल रहा है, बट वेरी रिसेंटली अभी बिलासपुर में आने वाला है और भिलाई में आने वाला है। और हमारा शावरमा वाला के साथ साथ हमारा एक नया वेंचर भी चालू होने वाला है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है, तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा वो भी। तो जल्दी जानने के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिपर 28। तो आज हमने विजिट किया शावरमा वाला, और बहुत ही चटखारेदार स्वाद है यहाँ का। तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप बिल्कुल हैंग आउट करने आ सकते हैं। इंटीरियर इज प्रिटी गुड, और बहुत ही अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो जब भी शावरमा वाला आना, शावरमा वाला रोल जरूर खाना। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन होरीलाल के साथ अमित शर्मा, रायपुर। यहाँ से जाते जाते मैंने भी क्लिपर 28 की तरफ से शावरमा वाले की वॉल पर मैसेजेस पोस्ट किए। आप इस शावरमा वाले को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, चटखारे की अपकमिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आप चटखारे के लास्ट एपिसोड्स भी देख सकते हैं।